आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। सबसे पहले तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा यानी आवल नाल, जिससे कि बच्चे को सारा ब्लड सप्लाई और पोषण जाता है। ये कॉर्ड के द्वारा बच्चे से जुड़ा रहता है और यूजुअली ये बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में इम्प्लांट होता है, पर कई बार बच्चेदानी के निचले हिस्से में इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब इसकी सिवेरिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि ये कितना नीचे है, जिसमें चार तरह की ग्रेडिंग होती है, 1, 2, 3, 4। इनिशियली जो प्लेसेंटा नीचे होते हैं और जिनकी ग्रेडिंग कम रहती है, वो टाइम के साथ प्लेसेंटा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, इसको प्लेसेंटल माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन जो प्लेसेंटा ज़्यादा नीचे होते हैं, मतलब ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेराइटी के रहते हैं, वो यूजली ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाते, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और जिसमें कि प्लेसेंटा पूरी तरह से बच्चेदानी के मुंह को कवर किए रहता है, उसको सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए? एक तो आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना, आपको मैक्सिमम टाइम रेस्ट पे रहना है, कुछ भी ऐसा झटके वाला काम या जर्नी नहीं करना है, जिससे कि इसको प्लेसेंटा को किसी तरह का कोई हार्म हो, क्योंकि ये बच्चेदानी के मुंह पे रहता है और हल्का सा स्टिमुलेशन मिलते ही इससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कोई फिजिकल रिलेशन में भी नहीं रहना है, आपको आयरन डेली खाना है ताकि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। हीमोग्लोबिन अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीड कर सकता है और ये ब्लीडिंग इतनी टोरेंशियल हो सकती है कि इमिजिएटली आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े और उसमें माँ और बच्चे को रिस्क भी रहता है। यूजुअली इतना टोरेंशियल ब्लीड होने से पहले वार्निंग ब्लीड होती है, जिसमें कि हल्का फुल्का पेशेंट को स्पॉटिंग होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अंडर गारमेंट्स पे किसी तरह का कोई स्पॉट तो नहीं गया है। अगर स्पॉट गया है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि हैवी ब्लीडिंग कभी भी हो सकता है। खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बात आती है ट्रीटमेंट की। प्लेसेंटा प्रीविया में अगर ब्लीडिंग हल्की है और टाइम पूरा नहीं है, तो हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, बट अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। और अगर आपका टाइम पूरा है तो 37 वीक्स, जैसा कि टाइम पूरा माना जाता है, तो 37 वीक्स होते ही हम डिलीवरी करा देंगे। इसमें लेबर पेन्स आने का बिल्कुल वेट नहीं करना है, क्योंकि एक भी लेबर पेन अगर आया तो वो ब्लीडिंग को इतना ज़्यादा एग्रावेट कर सकता है, इतना टोरेंशियल या हैवी ब्लीडिंग हो सकता है कि माँ और बच्चे दोनों की जान को पूरा पूरा रिस्क हो सकता है। ये ब्लीडिंग पेनलेस होता है यूजुअली अगर लेबर पेन्स नहीं है तो। कई बार पेशेंट सोई होती है और सुबह उठती है और ब्लड के पूल में होती है, तो इसीलिए आपको इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी रहती है। जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई फिजिकल एग्जर्शन का काम नहीं करना होता, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना होता, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी होती, कोई भारी वजन नहीं उठाना रहता है, आयरन डेली खाना रहता है। और डॉक्टर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी भी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है, चाहे टाइम पूरा है या नहीं है, तो उसी टाइम पे हम माँ की जान बचाने के लिए सिजेरियन से डिलीवरी करा देते हैं। डिलीवरी इसमें सिजेरियन से ही होती है, जैसा कि बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा रहता है, तो बेबी नीचे से आने से पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, बच्चा नीचे से आ ही नहीं सकता। इसका अगर प्लेसेंटा पूरी तरह से नीचे है तो उसका 100% ट्रीटमेंट सिजेरियन डिलीवरी ही होता है। अगर प्लेसेंटा शिफ्ट हो गया है तो उस केस में, अगर बच्चेदानी के मुंह को छोड़ चुका है, शिफ्ट हो गया, तो उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा और डॉक्टर भी अपनी तरफ से ऐसे केसेस में बहुत एहतियात बरतते हैं।